नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मार्च में बरसे ओले, किसानों की फसलें तबाह। मार्च महीने में भारत में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत एवं अन्य इलाकों में पानी और ओलावृष्टि ने कहर बरपा दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर नीमच तक, महाराष्ट्र के नागपुर और अन्य इलाकों में रविवार को एकाएक जबरदस्त ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूट गई है। खेतों खलिहानों में फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। गोदामों में खुले में रखा अनाज पूरी तरह भीग गया है, जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न कीमतें बढ़ने की आशंका बन गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल 65 से 75% तबाह हो गई, जबकि चने में 60 और सरसों में करीब 20% का नुकसान है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च महीने में इतनी बारिश पिछले कई दशकों में नहीं हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मार्च महीने में ये हालात बने हैं। मौसम वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में ऋतु परिवर्तन हो सकता है। यहाँ भी केरल की तरह मार्च में बारिश हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह परिवर्तन भीषण गर्मी का संकट लाएगा और मई में तो तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की खांसी ठीक, शुगर भी कंट्रोल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब आपको खांसते हुए दिखाई नहीं देंगे। दरअसल अब उनकी खांसी पूरी तरह ठीक हो गई है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने बेंगलुरु के प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में अपना उपचार करवाया है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है कि मेरी खांसी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, शुगर का स्तर पूरी तरह नियंत्रण में है, मैं खुद को पूरी तरह स्वस्थ और तरोताजा महसूस कर रहा हूं। अब मैं काम पर लौटने के लिए काफी उत्साहित हूं। उन्होंने कहा, मैं अब सिर्फ काम पर ध्यान दूंगा, किसी भी हालत में लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। जदयू नेता शरद यादव अपने बयान पर कायम। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव महिलाओं पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर फंस गए हैं। राज्यसभा में उनकी टिप्पणी पर जमकर हंगामा भी हुआ। दरअसल यादव ने बीमा बिल पर चर्चा के दौरान निर्भया की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली महिला फिल्मकार का जिक्र किया था और उसके बाद गोरी और काली चमड़ी पर बात करते हुए दक्षिण भारतीय महिलाओं पर भी टिप्पणी कर दी थी। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने घोर आपत्ति उठाई है, महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर शरद यादव ने साफ कर दिया है कि वो इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे धरती फट जाए, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। स्मृति के विरोध पर शरद ने कहा कि कौन है स्मृति, मैं नहीं जानता। राहुल की जासूसी मामले में हंगामा, कांग्रेस के आरोप को सरकार ने खारिज किया। राहुल गांधी की कथित राजनीतिक जासूसी के मामले में कांग्रेस ने संसद में काफी हंगामा मचाया। दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि यह प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रोफाइल तैयार करने की एक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के बारे में भी इसी प्रकार की सुरक्षा प्रोफाइलिंग की गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीतिक जासूसी की जा रही है, जो लोकतंत्र और संविधान के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।